यूपी के हाथरस जनपद में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध निर्माणों पर लगाम लगते हुए सासनी के उपजिलाधिकारी ने मशीन लगवाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया। दरअसल थाना हाथरस जंक्शन के रामपुर में सरकारी पोखर पर और ग्राम समाज की जमीन पर गांव रामपुर के कुछ लोगों ने अवैध निर्माण कर कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत गांव के प्रधान योगेंद्र सिंह और गांव के प्रधान सदस्यों ने मिलकर उपजिलाधिकारी सासनी से की थी, जिसके बाद उपजिलाधिकारी के आदेशानुसार रामपुर की पोखर से जेसीबी मंगा कर अवैध कब्जा हटवाया गया था, जिसमें अवैध कब्जाधारियों ने एक मंदिर बना रखा था जिसकी आड़ में वहां अवैध निर्माण किया जाया था, जिस पर उपजिलाधिकारी सासनी और राजस्व विभाग की टीम के साथ साथ पुलिस दल ने मंदिर में रखी मूर्तियां को हटाकर मंदिरों को भी छुड़वा दिया और मौके पर कुछ लोगों ने घर बना रखे थे उनको भी जेसीबी की मदद से तुड़वा कर जमीन मुक्त की गई। पेश है हमारे हाथरस के संवाददाता रवि कुमार और कैमरामैन फैजान बेग की यह खास रिपोर्ट। तालाब से नव निर्माण करा रहे थे और इन्होंने मूर्तियाँ भी रखी थी और मिलाकर ये अवैध कब्जे की नियत से मंदिर से निकल लेना चाह रहे थे। वही निर्माण जो है वो हटा दिया गया है और इसी काशे तीन लोगों का सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। कदमों से पैदल करके उनके अतिक्रमण का भी संज्ञान लेते ही कार्रवाई की है। सर कितने जगह पर जो कब्जा कर रखा था इन लोगों ने? उनका तालाब का पूरा रकबा 58 एयर है, 580 एयर, 30 एयर बंजर की जमीन, 88 में से 30 एयर बंजर का है और इसमें आधा मौके पे खाली था, आधा खाली करा दिया है। कब्जा कितने दिनों से हो रहा है इस पर? कब्जा नया शुरू किया गया था, इसको एक बार रुकवाया गया था, उसके बाद फिर वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये समझा गया कि हाँ जब तक इसको हटवाया नहीं जाएगा तो लगातार ये निर्माण करते जाएंगे। तालाब की ज़मीन को खाली कराने के शासन के आदेश इसलिए, और क्योंकि गाँव में ये जल भराव की समस्या भी फैल रही है और गाँव के अंदर पानी निकलने के लिए तालाब नहीं था, तो यहाँ ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि हाँ ये तालाब का नंबर है और इसी में पानी आता है और इनके द्वारा अतिक्रमण करने से ये गांव के अंदर गंदा पानी जो है वो नहीं निकल पा रहा था, इस वजह से सरकार